अरे सीएनजी, आपकी गाड़ी के पीछे सीएनजी का स्टिकर देखा, ये आपकी गाड़ी सीएनजी पर है? जी हाँ। सीएनजी से चलने वाला स्कूटर हुआ लॉन्च, जानिए क्या है इसकी खासियत। जी हाँ दोस्तों, बता दें सीएनजी से चलने वाला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुका है। अब आपको गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही कम खर्च आएगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन सी कंपनी का लॉन्च किया है, कितना इसका प्राइस है, 2 किलो सीएनजी पर जो है कितना किलोमीटर की माइलेज देगा और सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए पहले गाड़ी देखते हैं फिर गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका गाड़ी, देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन एंड व्हाइट कलर का सीएनजी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यहाँ पे देखिए गाड़ी के स्कूटर के आगे साइड में जो है 2 सीएनजी का जो है ये टंकी लगाया गया है, दोनों जो है 2-2 किलो की टंकी यहाँ पे लगा दिया गया है। देख सकते हैं गाड़ी में मीटर वगैरह सब कुछ है और इसी सीएनजी से आपकी गाड़ी दौड़ेगी और बहुत ही किफायती कीमत पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। आइए इसके बारे में जानते हैं कितना पैसा लग रहा है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं दोस्तों, तो हम जो टेक्निक बताने जा रहे हैं दोस्तों उससे आप जो है अपने पुराने स्कूटर को 130 किलोमीटर की माइलेज जो है पा सकते हैं। कैसे पाना है इसके लिए हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता रहे हैं। बात करते हैं तो पेट्रोल की महंगी कीमतों से तंग आ चुके लोग जो है कई उपाय के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ईंधन की बढ़ती कीमत और कार बाइक चलाने वाले के लिए जो है जेब पर जो है भारी असर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों और कंपनी सस्ते वाहन चलाने के लिए जो है कई तरीके की खोज में लगे हुए हैं। वहीं लंबी मेहनत के बाद जो है 2-व्हीलर में भी सस्ते चलाने के लिए जो है जुगाड़ लगा चुकी है कंपनी ने, एक खोज निकाल दिया है। हालांकि यह नई टेक्निक फिलहाल जो है स्कूटर के लिए जो ही काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए जो टेक्निक आया है इसमें स्कूटर में पूरे बढ़िया से काम कर लेती है। बात करते हैं तो पेट्रोल महंगी कीमतों से लोग जो है किस हद तक तंग आ चुके हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग जो है सुरक्षा और अन्य कारणों के चलते सीएनजी वाहन का इस्तेमाल करने से बचते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से जो है सीएनजी कारों की बिक्री बढ़ी है। ऐसे में दूसरी तरफ आग लगने की कई घटनाएं सामने आने के बाद लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है खरीद रहे थे, लेकिन अब जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं उसके लिए आपको जो है किसी नए वाहन की खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने एक्टिवा, जुपिटर, मेस्ट्रो स्कूटर और भी कई सारे स्कूटर पर जो है इस सीएनजी किट को लगवा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो दरअसल बात कर रहे हैं ये स्कूटर कई तरह के लोगों के लिए जो है फायदेमंद सौदा होगा, लेकिन इनका माइलेज जो है बहुत ही कम है। वहीं सारों और ट्रैफिक में जो है अधिकतर 40 से 45 किलोमीटर का माइलेज देता है। लेकिन यदि आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे थे तो आप जो है उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पुराना स्कूटर है उसी का माइलेज जो है आप बढ़ा सकते हैं, बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और चार्जिंग की टेंशन भी खत्म हो जाएगा। कंपनी जो है पुरानी बाइक और स्कूटर को जो है इलेक्ट्रिक बना रही है, लेकिन उसका खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है लेकिन और चार्जिंग का भी टेंशन रहता है। दोस्तों ऐसे में दोस्तों हम आपको जो है एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, उसमें आपने स्कूटर को जो है 130 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज जो है पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सीएनजी किट लगवाने के बारे में। सीएनजी किट की कीमत भले ही जो है बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले में सीएनजी अभी भी सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पेट्रोल अभी 100 110 रुपए लीटर है, जबकि सीएनजी आपको 60 से 70 रुपए केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आप जान लीजिए एक्टिवा, जुपिटर, मेस्ट्रो में जो है सीएनजी किट लगवा सकते हैं। सीएनजी किट लगवाने के बाद जो है पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर सीएनजी से चलेगी। आप इस स्कूटर को जो है अपनी सुविधा अनुसार पेट्रोल और सीएनजी दोनों से भी चला सकते हैं। वहीं दिल्ली में सीएनजी किट लगाने वाली कंपनी जो है लेवेटो स्कूटर में जो है सीएनजी किट लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं अपने स्कूटर में तो दिल्ली में जो है लेवेटो कंपनी लगा रही है। बात करते हैं तो पैसा वसूल जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, बता दें सीएनजी किट लगवाने में लगभग 18,000 रुपये का खर्च आएगा। हालांकि कुछ साल पहले जो है इसी किट को लगवाने के लिए खर्च जो है 15,000 रुपये आते थे, लेकिन लेवेटो कंपनी के अनुसार एक वर्ष जो है स्कूटर चलाकर आप जो है आराम से 18,000 रुपये बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक साल चलाएंगे आपकी पूरी पैसा जो है वसूल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो इससे पहले जो है होंडा कंपनी जो है सीएनजी किट वाली एक्टिवा स्कूटर में भी जो है लॉन्च कर चुकी है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। सीएनजी किट लगवाने में लगभग जो है 4 घंटे का समय लगता है और स्कूटर में आगे की तरफ जो है 2 सीएनजी सिलेंडर लग जाएगा।
वहीं सीट के नीचे इसे ऑपरेट करने के लिए जो है मशीन लगा दी जाती है और कंपनी स्कूटर में एक स्विच फिट कर देगी जिसकी मदद से आप स्कूटर को जो है सीएनजी और पेट्रोल मोड में तुरंत चेंज कर सकते हैं। हालांकि स्कूटर में लगाने वाले सीएनजी किट की क्षमता जो है 1.2 केजी होती है। ऐसे में दोस्तों एक बार सीएनजी फुल करवाने के बाद 120 से लेकर 130 किलोमीटर तक का सफर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से जो है सीएनजी भरवाना होगा, लेकिन पेट्रोल पंप की तरह जो है जगह जगह पे सीएनजी स्टेशन लग चुका है तो आप कहीं से भी जो है सीएनजी भरवा सकते हैं और बहुत आसानी से जो है आप माइलेज बढ़ा सकते हैं। 60 से 70 रुपए एक किलो का सीएनजी का कीमत है जिसमें 130 किलोमीटर की शानदार माइलेज मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको गाड़ी में सीएनजी लगवाना है तो लवेटो कंपनी का जो है नंबर और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जो है बुक करवा करके सारा कुछ करवा लीजिएगा, सीएनजी लगवा लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।